तो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो प्रॉपर बनाने जा रहा हूं कि इंडियन मर्चेंट नेवी में आप जो IMU CT का एग्ज़ाम होता है वो कैसे क्लियर करेंगे और IMU CT क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के, जब मैं इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर, हमको DNS कोर्स करना पड़ता है, मैं DNS कोर्स में करना चाहता हूँ तो क्या मैं डायरेक्ट किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लूँ। तो देखिए, DNS कोर्स करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा और IMU CT से क्या रिलेटेड है, स्पॉन्सरशिप कंपनी आपको क्या है, आप मर्चेंट नेवी में डायरेक्ट ऑफिसर कैसे बन सकते हैं और डायरेक्ट ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा और आपकी सैलरी क्या होगी और आपको कंपनी में जाके किस कंपनी में इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर कैसे लेना पड़ेगा और IMU CT का एग्ज़ाम कब होता है, कब कब कंडक्ट होता है, उसका सिलेबस क्या है, तो इस वीडियो में मैं पूरा आज मैं डिटेल बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर डालते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मर्चेंट नेवी के बारे में कुछ नया जान लेते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि आज मैं इंडियन मर्चेंट नेवी के बारे में बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी क्या होती है और मर्चेंट शिप में आप IMU CT क्या होता है। तो दोस्तों, आप पीछे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हैं, आपको शोर ग्लोर भी सुनाई देता होगा, इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि IMU CT होता क्या है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करके आप चाहते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊँ और डायरेक्ट मैं रेटिंग लेवल छोड़कर मैं डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पर जाऊँ तो मर्चेंट नेवी में आपको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पर आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम होता है IMU CET, यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर लेना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी से स्पॉन्सर लीजिएगा तभी आपका किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होगा, अन्यथा आपका एडमिशन नहीं होगा। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप ये कैसे फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो IMU CT का जो एग्ज़ाम होता है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग कराती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कराती है और इसकी एग्ज़ाम आपके साल में 2 बार होते हैं। अभी इसका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है वो फॉर्म अप्रैल से फिलअप होने लगेगा, अप्रैल मई 2 महीने तक फिलअप होता है और इसकी एडमिट कार्ड मई में आ जाती है और एग्ज़ाम जून में होता है और आपकी एडमिशन जो होती है जुलाई में होती है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, तो सबसे पहले आपको अप्रैल में जो IMU CT का फॉर्म आएगा उसको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको किसी इंस्टीट्यूट में फ़ोन करना है, जैसे मैं इंस्टीट्यूट का नाम बताता हूँ, जैसे BP मरीन हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ARI हो गया, TS रहमान हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न हो गया, तोलानी हो गया, चाणक्य हो गया, ये सब कॉलेज है, ये मर्चेंट नेवी के टॉप क्लास के कॉलेज है। टॉप क्लास के कॉलेज में मैं आपको नाम बता देता हूँ कि जैसे TS रहमान हो गया, ARI दिल्ली हो गया, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ग्रेट ईस्टर्न हो गया, TS चाणक्य हो गया, तोलानी हो गया, ये सब इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेज, टॉप रैंकिंग कॉलेज है। तो इसमें आपको फ़ोन करके बोलना है कि सर, हमको DNS कोर्स करना है, आपकी कंपनी कब स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। तो जैसे ही आप फ़ोन कीजिएगा तो वो आपको बता देंगे कि हमारे कैंपस में इस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, आप आइए इंटरव्यू दीजिए। वो कंपनी आपको आएगी और कंपनी आएगी तो आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर जाते हैं, कुछ एग्ज़ाम भी लेती है और एग्ज़ाम में क्लियर कर जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देती है। स्पॉन्सरशिप लेटर मिल गया और उसके बाद आपने IMU CT का फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना होता है, रैंक लाना होता है। आप IMU CT का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें आपकी रैंक आती है और रैंक अगर अच्छी आ जाती है तो वो कंपनी जो आपको स्पॉन्सर की है वो आपको टाई अप करती है, बोलती है कि तुम इस कॉलेज से डाओ DNS कर लो, ठीक है। DNS का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। आप BSc भी कर सकते हैं, यानी BSc नॉटिकल साइंस होता है जिसका होता है बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस। GNM भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग होता है। उसके बाद BTech मरीन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मर्चेंट नेवी का बेस्ट कोर्स बताना चाहता हूं। तो मर्चेंट नेवी का बेस्ट कोर्स आप कीजिएगा तो DNS सबसे अच्छा रहेगा, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। 1 साल का कोर्स होता है और 1 साल के कोर्स के बाद आप अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, 1 साल का आपको कोर्स कराएगा और के कोर्स कराने के बाद आपको जिस कंपनी से स्पॉन्सरशिप होगा, जिस कंपनी से आपने टाई अप करके रखा होगा, वो शिपिंग कंपनी आपको जॉब देगी। और एज ए 18 मंथ डे क्रेडिट आप वहाँ पर जाइएगा, डे क्रेडिट 18 मंथ का आपका 3 से 20 हो जाएगा। 18 मंथ आप जॉब करने के बाद आप सेकेंड मेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद आप प्रमोट होकर थर्ड ऑफिसर बन जाते हैं।
तो देखिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आप DNS में जाना चाहते हैं, DNS कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी फ़ी क्या है। इसकी फ़ी होती है 6 से 8 लाख रुपये। लेकिन अगर आप IMUCT का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और किसी कंपनी से स्पॉन्सर ले लेते हैं तो आपको वो कंपनी, आपका इंस्टीट्यूट होता है, वो लोन्स फटाक से पास कर देगा, आप उसी लोन पर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 साल की होती है। 1 साल में आपको नेविगेशन के बारे में पूरा रिलेटेड सिप के बारे में बताएगा कि नेविगेशन कैसा होता है, साउंड सिग्नल क्या होता है, लाइट सिग्नल क्या होता है, रूल रेगुलेशन सब इंडियन कोस्ट मर्चेंट नेवी के बारे में आपको बताया जाएगा। अब मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आप इसको ज्वाइन किसी कीजिएगा। तो ज्वाइन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अभी से TS रहमान हो गया, तोलानी हो गया, TS चाणक्य हो गया, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न हो गया, ARI यानी अप्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में पड़ता है वो हो गया, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न हो गया, ये टॉप क्लास की कंपनी है, ये टॉप क्लास की इंस्टीट्यूट है और इनका खुद अपना शिपिंग कंपनी है। एंग्लो ईस्टर्न और द ग्रेट ईस्टर्न है, इनकी खुद की शिपिंग कंपनी है। अगर इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 100% जॉब मिलेगी, जॉब आपकी कहीं जाने वाली नहीं है। तो आपको अभी क्या करना है कि अप्रैल में जैसे ही IMUCT का फॉर्म आता है उसको फिलअप कर देना है। ST SC के लिए 700 रुपये लगता है और जनरल OBC के लिए 1000 रुपये है। और फॉर्म की मैं सिलेबस बता देता हूँ, तो इसके सिलेबस जो होता है उसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है और जनरल एप्टीट्यूड होता है और उसके बाद इंग्लिश होता है। टोटल 175 नंबर की क्वेश्चन होती है इसकी और 50 नंबर का मैथ होता है, 50 नंबर का फिजिक्स होता है, 25 नंबर का केमिस्ट्री होता है, 25 नंबर का इंग्लिश होता है, 25 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड होता है। तो टोटल 175 नंबर की क्वेश्चन हो जाती है और ये सब 10+2 लेवल की आती है। टोटली जितना भी क्वेश्चन IMUCT में आएगा वो 10+2 लेवल की आएगी। और एलिजिबिलिटी में आपको बता देता हूँ कि आपकी उम्र 17 से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए और आपकी आँख 6x6 होना चाहिए और आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है और आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप 10+2 पास होने चाहिए और कम से कम आपका 10+2 में 60% होना चाहिए और इंग्लिश में भी आपका कम से कम 60% होना चाहिए। अगर इंग्लिश में आपका 60% है और PCA में भी 60% है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी जो जो इंस्टीट्यूट का मैंने नाम लिया वहाँ पर आप जाइए, फ़ोन कीजिए और पूछिए कि सर हमको DNS कोर्स करना है, स्पॉन्सर कब करेगी कंपनी, तो आपको बता देंगे। तो स्पॉन्सरशिप लेटर भी आपको मिल जाएगा और IMUCT में आपको अच्छा रैंक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर DNS आपको करना है तो आप सबसे पहले जिस कॉलेज का मैं बोल रहा हूँ उस कॉलेज में आप क्या कीजिए, फ़ोन करके पता कीजिए और IMUCT का तो फॉर्म पूरा फिलअप ही करके रखिए, क्योंकि विदाउट IMUCT में विदाउट IMUCT का एग्ज़ाम क्रैक किए भी आना आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अपना एडमिशन नहीं देगी। तो फिर से कॉलेज का नाम सुन लिए, एंग्लो ईस्टर्न हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न हो गया, ARI दिल्ली हो गया, अप्लाई रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद तोलानी हो गया, तोलानी मैरीटाइम एकेडमी है, उसके बाद TS चाणक्य हो गया और यही कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, TS रहमान हो गया। इसमें आप फ़ोन करते रहिए, आप गूगल पर सर्च मारिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, आप वहाँ से फ़ोन कीजिए और उनसे पता कीजिए कि सर हमको DNS करना है, प्रोसेस बता दीजिए। तो वो बोलेंगे कि हमारी इतना तारीख को IMUCT का होने वाला है, तुम आओ यहाँ पर इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दीजिएगा। तो DNS करने से फ़ायदा यही होता है कि DNS में पहले आपकी जॉब लगती है, उसके बाद आपको कोर्स करना पड़ता है, आपकी जॉब 100% सिक्योर हो जाती है, उसके बाद ही आपको कोर्स करना पड़ता है। लेकिन अगर आप GP रेटिंग करते हैं या STCW करते हैं तो इसमें नहीं होती है, इसमें आप जॉब करीजिएगा, उसके बाद आप कंपनी को कंपनी टू कंपनी विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। लेकिन DNS करते हैं तो अच्छा है कि पहले आपको जॉब मिल जाता है, उसके बाद आप कोर्स करते हैं, तो पैसा इन्वेस्ट करना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैंने जिस कॉलेज को बताया अगर उसमें आपका एडमिशन हो जाता है तो वो तुरंत लोन पास कर देती है, आप अपने लोन पर ही एडमिशन करा सकते हैं। तो यही रहा मर्चेंट नेवी से, बहुत सारे लड़के IMUCT पूछते थे कि सर IMUCT पर प्रॉपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा कि IMUCT पर प्रॉपर वीडियो बता देता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एनी इंक्वायरी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी प्लीज़ गो टू द माई कॉमेंट सेक्शन एंड कॉमेंट। तो थैंक यू सो मच।